सलमान खान 54 साल की उम्र में बिना शादी करे पिता बन गए। चलिए बताते हैं कैसे। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री की शादी के बाद हमेशा चर्चा का विषय रहती है। बॉलीवुड में आज भी बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, जिसके चलते वर्तमान समय में 45 साल से भी ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद भी वो कुंवारे हैं। जब भी बॉलीवुड में कुंवारे लोगों की बात आती है तो उस सूची में सबसे ऊपर नाम सलमान खान का आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सलमान खान वर्तमान समय में 56 साल से भी ज़्यादा के हो गए हैं, लेकिन अभी तक सलमान खान ने शादी नहीं की है। इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के जाने माने सितारे सलमान खान बहुत चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में खबर आई कि सलमान खान ने शादी नहीं की है, लेकिन फिर भी वो दो दो बच्चों के पिता हैं। इस बात का खुलासा खुद सलमान खान ने किया है, वो भी पूरी दुनिया के सामने अपने रियलिटी शो बिग बॉस में। सलमान खान बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। सलमान खान के बारे में बताएं तो उनके पास वर्तमान समय में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको बता दें कि सलमान खान एक रियलिटी शो को होस्ट करते हैं। इस शो का नाम बिग बॉस है। इस शो को होस्ट करने के सलमान खान 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लेते हैं। सलमान खान इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले सलमान खान के शो बिग बॉस में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी आने वाली फिल्म बंटी और बबली 2 के प्रमोशन के लिए आई थी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान रानी मुखर्जी और सलमान खान शो पर काफ़ी मजाक कर रहे थे, जिसके चलते हर कोई सलमान खान और रानी मुखर्जी के इस बातचीत की सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहा है। रानी मुखर्जी ने सलमान खान से पूछ लिया कि तुम्हारे उस पहले बच्चे का क्या हुआ। आपको बता दें कि सलमान ने कई बच्चे और बच्चियां गोद ले रखे हैं, जिनका पालन पोषण खुद सलमान खान और उनका चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। सलमान उन सभी बच्चों को अपना ही बच्चा मानते हैं और रानी मुखर्जी को भी उन्होंने उसी संदर्भ में बच्चों के लिए बोला था। जब रानी मुखर्जी ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के समय पूछा कि सलमान तुम्हारा बेटा कहाँ है, इसका जवाब सलमान खान ने अलग ही अंदाज में दिया और बोले कि अपनी वो बच्चा प्रतिक्रिया में है। इसका मतलब है कि सलमान खान रानी मुखर्जी की इस बात को मानते हैं कि वो एक बच्चे के पिता हैं। सलमान खान से जब रानी मुखर्जी ने पूछा कि अब जब अगली फिल्म के प्रमोशन के लिए आऊँगी तब तो तुम पिता बन जाओगे ना सलमान, सलमान खान ने इसका जवाब बहुत ही अलग अंदाज में दिया और कहा कि अगली बार प्रमोशन के लिए आओगी तो एक नहीं बल्कि दो बच्चों का पिता बन जाऊँगा, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होगी। सलमान खान और रानी मुखर्जी इस तरह की बातें करके एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे।